ओशन क्या दे रखा अ रेक्टेंगुलर कॉइल एक रेक्टेंगुलर कॉइल है वो रेक्टेंगुलर कॉइल जो है हमारी वो उसका एरिया दे रखा है 50 सेंटीमीटर क्यूब एंड 200 टर्न्स कैप टू द नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 10 रे टू -5 वीवर मीटर मीटर दे रखा एरिया एरिया दे रखा आपको फाइव हंड्रेड इंटू टेन रेस टू माइनस फोर मीटर स्क्वायर में कर लिया सेंटीमीटर में दे रखा था टर्न्स दे रखे टू थाउजेंड ठीक है टू थाउजेंड टर्न्स दे रखे है। अब आपको निकालना है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो क्या होगा बी ए कॉस जीरो क्योंकि नॉर्मल से परपेंड, और अब 180 तक चले गया तो बी ए कॉस वन अब पता है कॉस जीरो वन होता है और कॉस एटी माइनस वन होता है तो ये हो जाएगा टू कॉस ए ठीक है तो टू 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 बी ए तो इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है आपको मैग्नेटिक फील्ड फोर इंटू टेन रेस टू माइनस फाइव तो टू इंटू फोर इंटू टेन रेस टू माइनस फाइव इन आपको एरिया कितना दे रखा है एरिया दे रखा है फाइव हंड्रेड इंटू टेन रेज टू माइनस फोर ठीक है इतना आपको एरिया दे रखा है तो आंसर कितना हो जाएगा फाइव टू फोर या एट एट फाइव या फोर्टी ठीक है फोर्टी हो गया फोर्टी के दो ज़ीरो लगा ले चलो पैक कर ही लेते हैं फोर्टी फोर्टी के बाद एक दो ज़ीरो इसके इंटू टेन रेज टू माइनस नाइन ठीक है फोर प्लस टेन रेस टू माइनस नाइन टेस्ला मीटर स्क्वायर अब ये एक और चीज करनी है एक दो तीन है ना तीन में से ये फोर इन टेन रेस टू माइनस सिक्स टेस्ला मीटर स्क्वायर ठीक है ये तो हो गया पहला प्रस्टा. अब ई एम एफ बताऊं तो ई एम एफ इंड्यूस कितना होगा आपका ई नंबर एंड नंबर ऑफ टर्न्स डेल्टा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी तो वो जाएगा एन इज इक्ल टू टू हंड्रेड टू थाउजेंड इन टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फोर इंटू टेन रेज टू माइनस सिक्स अपॉन डेल्टा टी टाइम कितना है आपका टाइम है आपका ज़ीरो पॉइंट वन तो जीरो पॉइंट वन तो इन टू ऊपर टेन आ गया तो आपका ई एम एफ इंड्यूस कितना हो गया फोर टू जो एट ठीक है पहले एट एट थाउजेंड कर लो एट थाउजेंड इंटू टेन रेज टू माइनस फाइव ठीक है अब फाइव वोड लिख सकते हैं आगे और कर लेते हैं सॉल्व ये हो जाएगा टेन रेज टू माइनस थ्री माइनस थ्री नहीं माइनस टू होगा क्योंकि थ्री थ्री माइनस फाइव माइनस टू और सॉल्व कर लेते हैं हम तो आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो एट वोड्स ठीक है इसके बाद इसके बाद हमें और भी चीजें निकालनी है हमें निकालना है रजिस्टेंस नहीं कर रहे चार्ज निकालना आपकी बार रजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई ठीक है वी अपॉन आई तो आई इक्वल टू स्लैश ऐसे बात मार के इक्वल्स का साइन ऐसे करेंगे अब आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर ठीक है तो अब इसी की क्वांटिटी डालनी है तो इक्वल्स करेंगे v इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो एट और रजिस्टेंस आपको दे रखा है ट्वेंटी ठीक है तो रजिस्टेंस आपको दिया है ट्वेंटी तो ऐसे डिवाइड करेंगे तो ए डीचे आ जाएगा तो हंड्रेड तो, तो, तो यह हो जाएगा फोर ठीक है तो इज इक्वल टू फोर इन टू टेन रेस टू माइनस थ्री ये हमने करंट निकाला था तो ये हो गया एम्पियर अब इसके बाद हमें पता है इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है चार्ज को क्यू से सिंबल करते हैं तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी लिख लो तो आई की वैल्यू हम करंट करंट निकाल चुके हैं वो है फोर इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री और आपको टाइम कितना दे रखा था टाइम दे रखा था ज़ीरो पॉइंट वन ठीक है जीरो पॉइंट वन देने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो फोर इंटू टेन फोर इंटू टेन रेस्ट टू माइनस फोर कूलम हो जाएगा ओके तो कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो